पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक लाल फिर शहादत का जाम पी गया। राजौरी जिला के झंगड़ सेक्टर में एलओसी पर पाक गोलाबारी में मजालता क्षेत्र के सूबेदार सुखदेव सिंह सोमवार को शहीद हो गए। बहादुर जवान की शहादत की खबर सुनकर उनके घर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया। हर कोई इस शहादत को नम आंखों से सलाम कर रहा है। पिता के आंसू रोकने के लिए लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। अपने सुहाग को खो चुकी पत्नी का बिलख बिलख कर बुरा हाल है तो उनके दो मासूम बच्चे बदहवास में हैं। गांववासी शहादत पर गमगीन है। जिसने भी जवान के शहीद होने की खबर जानी उसके कदम उसके घर की ओर रुक करते रहे। केंद्र सरकार से अब क्या कहना है, वो तो चलेगी, ये रोज का काम है, रोज चलते रहेंगे। आज वो गए हैं कल और जाएंगे। सरकार ने क्या करना है, इधर कुछ नहीं करना है। जो चला गया वो तो उनके घर वालों को पता क्या होगा, वो तो बैठे हैं कुर्सी पर, उनको क्या है। तो किस तरह के उनके बच्चे थे? बच्चे अभी छोटे ही हैं, मुझे लड़का 10 साल का है, सेकंड में पढ़ रहा है, तो लड़की 8th में। घर के अंदर से चीखें गूंज रही हैं तो घर के बाहर बैठे पिता को लोग सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। रोती बिलखती सुखदेव सिंह की बेटी चाहती है कि पाकिस्तान से इस शहादत का बदला लिया जाए ताकि किसी और बच्चे के सिर से उसके बाप का साया ना छिने। मेरे पापा लगते हैं वो सुखदेव सिंह बनराज। कल उनकी मेरी सुबह उनसे बात हुई थी। क्या कहना चाहते हैं मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से? ये जितने भी वहाँ पे शहीद हुए हैं इन सब की तरफ से कुछ ना कुछ बदला लेना चाहिए इन सब से।